गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5 कंप्यूटर, चैप्टर 1 कंप्यूटर जनरेशन। जैसे कि हम इस बुक में जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको हम लोग को आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे बना, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, नहीं जानते हैं। तो उसी इवोल्यूशन को, उसी जनरेशन को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर जनरेशन। जनरेशन से आप क्या समझते हैं? जनरेशन का मतलब ये होता है कि टाइम जनरेशन का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम पे कंप्यूटर में बहुत सारे इवोल्यूशन किए गए, और इसी इवोल्यूशन को 5 फेज में बांटा गया है, जिसको हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जनरेशन क्यों डेवलप किया गया? जनरेशन की शुरुआत इसलिए की गई ताकि जो है हम लोग जो भी हार्डवेयर के टेक्नोलॉजी है उसमें जो है डिस्टिंग्यूश, उसमें अंतर प्राप्त कर सके, उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी कुछ अंतर जो है प्राप्त कर सके। अब आता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी 5 जनरेशन बनाए गए हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन यहाँ बुक में दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन जो कि 1940 से 1956 तक चला, सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964 तक चला, थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक चला, फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट अभी भी चल रहा है। लेकिन इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन यानी प्रेजेंट में ये चल रहा है, इस पर आगे काम भी किया जा रहा है। अब हम ये सारे जनरेशन का डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्यों निर्माण किया गया, क्यों डेवलप किया गया? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो कि पहले जो है मैकेनिकल सिस्टम यानी इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम जो कि बहुत ही कम पैमाने में छोटे स्लो काम करते थे, उनको इवोल्यूट करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए किसका निर्माण किया गया? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसका निर्माण किया गया है? वैक्यूम ट्यूब्स का। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब्स एक ऐसे डिजिटल कंप्यूटर है, ट्रूली डिजिटल कंप्यूटर है, जिसने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को रिप्लेस किया है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया जाता है किसी डाटा को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा ये क्या करते हैं? इसके अलावा जो इनपुट इसमें जो डाले जाते हैं वो किसके रूप में डाले जाते हैं? पंच कार्ड की मदद से डाले जाते हैं। और इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है UNIVAC और ENIAC, यानी इसका ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्यूमुलेटेड इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, UNIVC का होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब आते हैं कि जैसे अब मान लीजिए कि फर्स्ट कंप्यूटर से, फर्स्ट जनरेशन में भी जो कंप्यूटर निर्माण किए गए उसमें भी बहुत सारी खामियां आती हैं, जैसे कि बहुत ही बड़े थे, क्लमजी थे, और इसके साथ साथ बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी इनको चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए फिर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो है इवोल्यूशन किया गया। इसमें क्या किया गया? इसमें जो है जो वैक्यूम ट्यूब से उसको रिप्लेस करके जो है ट्रांजिस्टर्स यानी कि ट्रांजिस्टर्स का निर्माण किया गया। इसका क्या फ़ायदा है? इसमें जो है मैग्नेटिक जो टेप्स का यूज करते थे हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए, उसको हटा करके कोर मेमोरी का इस्तेमाल किया गया। कोर मेमोरी की मदद से हम लोग मैग्नेटिक डिस्क में भी इसका कोई भी डाटा को जो है स्टोर कर सकते हैं। इसी दौरान जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का भी निर्माण हुआ था, इसलिए जो है इस कंप्यूटर में बहुत सारे लैंग्वेज का भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और इस कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं? इस कंप्यूटर के ये फ़ायदे कि साइज में भले ही ये जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मुकाबले कम छोटा नहीं है, लेकिन ये क्या करता है? ये कम हीट जो और इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम करता है। इसके एग्जांपल होते हैं IBM 1400 और Mark III। अब आते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का इवोल्यूशन किया गया है, जिसने क्या किया है? ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं? साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, जिसके कारण कोई भी फाइल कैबिनेट में, छोटे से छोटे फाइल कैबिनेट में हम क्या कर सकते हैं? कोई भी फाइल को स्टोर कर सकते हैं, इसको आराम से जो है रख सकते हैं। और ये कम बिजली यूज करता है। और इसके साथ साथ अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल जो हैं IBM 360 और ICL 1900 है।
और ये क्या है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है पास्कल। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट को हटा करके वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, जिसे हम करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक ये चिप की तरह होता है जिसको हम लोग ईजिली पोर्टेबल कर सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, इसके अलावा हमको ये फायदे देता है कि इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत अधिक होती है, यानी हम बड़े पैमाने पे किसी भी तरह की डिवाइस, किसी भी तरह के फाइल को इसमें स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हम कोई भी तरह के मल्टीमीडिया फीचर जैसे ऑडियो वीडियो इसकी मदद से सुन सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आएंगे इंटेल 4004 और मैग्नीटोस। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि आगे चलता आ रहा है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो जनरेशन चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, यानी इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करते हैं, यानी रोबोट के मदद से किसी भी काम को करने की कोशिश करते हैं। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यूज करते हैं और इसी जनरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में भी बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, बहुत सारी क्या होते हैं, इसमें हम लोग बात जानेंगे कि क्या क्या इसमें डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर्स क्या है, पहला फीचर्स आपका स्पीड है। स्पीड कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर का जो वर्क करने का जो स्पीड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये क्या करता है, पर सेकेंड में ये जो मिलियंस ऑफ वर्क जो है कर सकता है, ये इसकी स्पीड होती है। दूसरा फीचर है डेलीगेंस। डेलीगेंस का मतलब क्या होता है, परिश्रम, यानी अगर कोई ह्यूमन ब्रेन होता है वो एक टाइम पे कुछ वर्क अगर ज़्यादा देर तक करे तो वो थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, इन कंटिन्यूस वर्क जो है ये करता जाता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका है स्टोरेज करने का मतलब है कि बहुत सारे फाइल्स, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट जो है हम कंप्यूटर में सेव करके अपने फ्यूचर वर्क के लिए इसको आराम से इसमें रख सकते हैं। इसके बाद है फीचर वर्सेटिलिटी, यानी क्या होता है, यानी कि हम कंप्यूटर की मदद से बहुत सारे वर्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम गाने सुन सकते हैं, जैसे कि हम गेम खेल सकते हैं, कोई भी मूवी देख सकते हैं इससे, या कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, ये सारे काम जो है कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहने का मतलब है अगर कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना होती है, लेकिन अगर वो काम को हम कंप्यूटर के द्वारा करते हैं तो उसमें कम चांस है कि वो गलती करेगा। और यही जो इसका फीचर है उसी का क्या कहते हैं हम लोग, एक्यूरेसी करते हैं। अब आखिरी हमारा टॉपिक है लिमिटेशन कंप्यूटर। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर के आखिरी टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर किसी चीज़ में एडवांटेज होता है तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, वही लिमिटेशन को हम इससे टॉपिक के माध्यम से जानेंगे। पहला लिमिटेशन क्या कर रहा है, इनकैपेबिलिटी टू थिंक। जैसे कि जानते हैं कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला कौन होता है, एक ह्यूमन ब्रेन ही होता है। कंप्यूटर अपनी क्षमता से कोई वर्क परफॉर्म नहीं करता, अगर हम उसमें इनकैपेबिलिटी टू थिंक, यानी कि क्या, कंप्यूटर जो है अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, इसको जब तक हम कोई इनपुट नहीं देंगे तब तक ये हमको आउटपुट करके नहीं देगा। उसके बाद दूसरा लिमिटेशन है नो इंटेलिजेंस, यानी इसका अपना कोई बुद्धि नहीं होता है, जो हम इसमें कोई भी चीज इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करके हमको आउटपुट देता है। उसके बाद तीसरा है डिपेंडेंस ऑन पावर, यानी कि जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके ही कंप्यूटर क्या करता, ऑपरेट करता। अगर इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर होगा तो कंप्यूटर भी वर्क करना बंद कर देगा। यही तीनों क्या है, इनके लिमिटेशन है। थैंक यू।